सब्सक्राइब करें टेक माइंड वर्ड चैनल को और क्लिक करें इस बेल बटन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन गैस के लिए न्यू मोबाइल ऐप इंडियन ऑयल वन पर रजिस्टर्ड कैसे करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए इंडियन ऑयल वन ऐप पर रजिस्टर्ड करना सीख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना है, इसके लिए प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और इसमें टाइप करेंगे इंडियन ऑयल वन और सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करते ही यहां ऐप आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस ऐप का डाउनलोड लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे, अब एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ऐप डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी। ऐप इंस्टॉल होने के बाद ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। ऐप ओपन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर न्यू कनेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे साइन इन और साइन अप के ऑप्शन आ जाएंगे। यदि आपका इस पर पहले से अकाउंट है तो यहाँ साइन इन के बटन पर क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक आईडी, ट्विटर या गूगल अकाउंट से भी लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन अभी ये फीचर वर्किंग में नहीं है, बहुत ही जल्द वर्किंग में आ जाएंगे। न्यू अकाउंट बनाने के लिए यहाँ साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पेज आएगा, यहाँ पर आपको सभी फील्ड भरना जरूरी है, किसी भी फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोई भी वर्किंग मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर कोई भी वर्किंग ईमेल आईडी डालेंगे। अब यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे। इसके बाद आई एग्री विद लाइसेंस एग्रीमेंट, इसके आगे दिए इस चेकबॉक्स में टिक करेंगे और फिर रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही यूज़र क्रिएट हो जाएगा और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी कोड आएगा, उस ओटीपी को यहाँ डालेंगे और फिर डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पासवर्ड बनाने का हिंट्स भी दिया है, कम से कम 8 करेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं और पासवर्ड में कम से कम एक नंबर और एक स्पेशल करेक्टर जरूर होना चाहिए और आप यहां दिए इन स्पेशल करेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम पासवर्ड रख लेते हैं, यहां फिर से यही पासवर्ड डालेंगे और इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए पासवर्ड भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। इसके बाद लॉग इन पेज आ जाएगा। अब यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे या मोबाइल नंबर डालेंगे, जिस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से हमने अकाउंट रजिस्टर्ड किया है। यहाँ पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे। अकाउंट में लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, लिंक माई एलपीजी आईडी, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे 17 नंबर की एलपीजी आईडी डालने के लिए कहा जाएगा। यदि आपको एलपीजी आईडी पता नहीं है तो आप इसे अपनी गैस बुक पर से देख सकते हैं या गैस एजेंसी से पता कर सकते हैं, या फिर आप myLPG.in पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। एलपीजी आईडी डालने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी कंज्यूमर डिटेल आ जाएगी, डिटेल सही है तो यस इट्स करेक्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारी रिक्वेस्ट कन्फर्म्ड हो गई है। अब यहाँ री लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालकर और यहाँ पासवर्ड डालकर लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे, इसके लिए यहाँ मेनू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब ओपन हुए मेनू में माई प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही प्रोफाइल का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के नीचे एडिट प्रोफाइल का बटन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ मोबाइल नंबर के सामने दिए वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ डालेंगे और डन पर क्लिक कर देंगे। अब ईमेल आईडी के सामने दिए वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते ही ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ डालकर डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अकाउंट से लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ग्रीन सर्किल में चेक मार्क हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है। इसके बाद नीचे एलपीजी डिटेल्स दी गई है, जैसे गैस सिलेंडर डिलीवरी डिटेल्स, इंडियन डिटेल्स, कंज्यूमर डिटेल्स, डिस्ट्रीब्यूटर डिटेल्स और एडिशनल डिटेल्स। अब वापस होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, यहाँ ऑर्डर सिलेंडर का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करके आप गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा। अब नीचे ऑर्डर नाउ के बटन पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करते ही आपका गैस सिलेंडर बुक हो जाएगा और आपको बुकिंग नंबर मिल जाएगा। यदि आपकी एलपीजी या फ्यूल से संबंधित कोई भी समस्या है तो यहाँ कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यदि आप कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो यहाँ कॉल अस पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर टोल फ्री नंबर और LPG इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। जैसे ही आप नंबर पर क्लिक करेंगे तो नंबर डायल हो जाएगा। यदि आपको गैस बुकिंग हिस्ट्री देखनी है तो मेनू पर क्लिक करेंगे। ओपन हुए मेनू में LPG के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप हिस्ट्री देख सकते हैं। अगर आपको मैकेनिक सर्विस चाहिए तो आप यहाँ से सर्विस रिक्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप सर्विस रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके कंप्लेंट हिस्ट्री देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।